असतो मा सत्कमया। तो वो ईशावास्य सिद्धांत जो है वो है सत, तो उससे जो अलग है वो क्या है? असत। ठीक है, असतो मा यानी ईशावास्य सिद्धांत के दूर मत जाओ, उसकी तरफ नहीं जाओ, उसके अपोज में नहीं जाओ। सत्गमय कहां पर आना है? ईशावास्य सिद्धांत के अंदर आना है। ठीक है, तो उसको स्वीकार करना है कि भगवान की शरण में जाएंगे क्योंकि वो स्वामी है, वो नियंत्रण। असतो मा सद्गम, तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मतलब अज्ञान में मत जाओ, प्रकाश में आओ। अज्ञान मतलब ईश चेतना विहीन जो भी ज्ञान है वो सब अज्ञान है, और ईश चेतना वाला जो ज्ञान है वो क्या है? ज्ञान है। तो कहां पर? तमसो मा अंधकार में मत जाओ, और ज्योतिर्गमय मतलब प्रकाश में आओ। और इससे क्या होगा? तो यहां पर बता, मृत्योर्मा अमृतम गमय। वेदों में धर्म, अर्थ, काम, इस भौतिक जगत में शरीर को निर्वाह करने के लिए जो साधन बताए गए उसको जानेंगे तो हम उससे पार होंगे। अगर एक व्यक्ति को पता चलेगा ना कि मैं कितना डूबा हुआ हूं तो वो बाहर निकलने का प्रयास करेगा। अगर आपको पता चलेगा ना कि मैं बीमार हूं तो आप डॉक्टर से मेडिसिन लेने लोगे और अपने आप को रोगी अवस्था से स्वस्थ करने के लिए प्रयत्न करो। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मैं बीमार हूं, अगर आपको अपने भौतिक स्थिति का पता ही नहीं चलेगा तो आप कैसे उससे पार करने का प्रयास करोगे? तो इसलिए कहा गया अविद्या मृत्यु तीर्थ्वा, अविद्या से मृत्यु को पार करोगे फिर पता चलेगा कि अविद्या है, ये जन्म मरण का कारण बनेगा, तो इसको जानोगे तो इससे पार करोगे। लेकिन पार करके जाना कहाँ है? पार करके जिधर जाना है वो विद्या है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमृत को प्राप्त करेंगे। तो क्या है? मृत्युर्मा अमृतम गमय।